हेलो, देखिए आज मैंने ट्रेड किया है, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। आज 1:4 का टारगेट बुक किया है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, लॉजिक शेयर कर दूँ और अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी के साथ शॉर्ट वीडियो में यही बताया था कि आज हम कॉल के साइड में ही जाने वाले हैं। मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, सपोर्ट बनने पर हम लोग कॉल के साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आप सभी के साथ पब्लिक चैनल पर मैंने आप सभी के साथ रेंज शेयर किया था, मैं वो शेयर कर दूँ आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी के साथ रेंज शेयर किया था, जो रेंज शेयर किया था 10:17 पर शेयर किया था रेंज। टुडे ये रेंज था अपना, तो मैंने आप सभी के साथ पब्लिक चैनल पर ये शेयर किया था। देन उसके बाद मैंने अपना एंट्री बनाया था। देखिए, एक एंट्री मेरा यहाँ पर मिस हो गया था, सबसे बढ़िया एंट्री यहीं था, मिस हो गया था। नेक्स्ट इसके कैंडल बनाने वाले थे, लेकिन ये गैप अप ओपन हो गया था, तो इसके लिए मैंने वेट किया। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी के साथ स्ट्राइक प्राइस शेयर किया, जैसे कि मैं रेगुलर पोस्ट में करता हूँ। देन उसके बाद मैंने आप सभी के साथ एंट्री बताया कि ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट तुरंत मैंने बोला कि जस्ट अभी वेट करना है। फिर देन उसके बाद जैसे ही ये गैप अप होकर इस गैप को फील किया, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि बाई, मेरा ये एंट्री है, टारगेट ट्रेड रहेगा, लेकिन टारगेट थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा कम किया था टारगेट। देन उसके बाद 1:4 हमने टारगेट बुक किया। यहाँ पे देखिए, मैंने एक मेंशन किया है, हो सके तो एग्जिट कर लो, निफ्टी स्ट्रांग नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। देखिए, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था तो बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, अदरवाइज़ मैं इसमें थोड़ा होल्ड करता। खैर, कोई बात नहीं, 1:4 इसमें टारगेट मिला आप सभी के साथ मैंने शेयर। अब शेयर करता हूँ अपना स्ट्राइक प्राइस। मैंने स्ट्राइक प्राइस में किया कौन सा लिया था, देखिए 14 मार्च का 21900 का एक्सपायरी वाला लिया था। एक्सपायरी में इसमें अच्छा मूवमेंट ब्रेक किया, अच्छा मूवमेंट मिला, तो अपना टारगेट पे होता है। टारगेट लिया, कुछ वीकनेस दिख रहा है तो एग्जिट कर लो ट्रेड से, वो भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का कैंडल देख रहे हैं, 20-20 पॉइंट का एक एक कैंडल बन रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 20-20 पॉइंट का एक कैंडल बन रहा है, तो इसमें बहुत संभल के, बहुत केयर होकर ट्रेड करना पड़ता है, ताकि आपको SL उतना ही लेना है जितना आपका रेगुलर का SL है। 10 पॉइंट का है तो 10 पॉइंट का ही SL लेना है, उसके ज़्यादा SL नहीं लेना है। तो मैंने जो एंट्री बनाया था 160 पे लगभग एंट्री बनाया था, और जो टारगेट लिया था 201 पे मैंने निकल गया था, इसी पे निकल गया था, जैसे कि मैं आप सभी के साथ पोस्ट में भी दिखाया था कि मैं उतने ड्यूरेशन में था, फिर निकल गया इस ट्रेड से, क्योंकि मेरा टारगेट हो गया था। देखिए, इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक जो शॉर्ट वीडियो में कुछ लॉजिक मैं शेयर करता हूँ आप सभी के साथ कि कैसे होगा। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई से, पहली बात तो यह है कि ऑल टाइम हाई से मार्केट गिर नहीं सकता। देखिए, ऑल टाइम हाई यहाँ पे 11 से बना रहा था, 11 गिरा, 12 गिरा, आज देखिए 13 गिरा था, तो ये वाला एक्सेप्शनल केस था। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी 1:2 थोड़ा बुक किया, यहाँ पे भी कल लॉस नहीं लिया यहाँ पे भी। नेक्स्ट मेरा यही था कि आज भी हम कॉल के साइड में जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे गिरेगा नहीं, रिवर्स ज़रूर करेगा, रिवर्स करके ऊपर की ओर जाए या रिवर्स करके गिर जाए, तो ये हो सकता है। तो मेरा लॉजिक यही था, सिंपल सा लॉजिक था मेरा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोर्ट नोटिस किया। सपोर्ट कैसे नोटिस करते हैं, मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम को देख के आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। वॉल्यूम में सबसे पहले मैंने क्या देखा, देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि मार्केट ओपन हुआ है एक बायस के साथ। यहाँ पे देखिए सेलर्स आए सबसे पहले हुआ, लेकिन सेलर्स बहुत कम क्वांटिटी में सेलर्स आया। दिन उसके बाद अगेन बायर्स आया, पूरा रिवर्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो मतलब इसका यही हुआ कि आज के ट्रेड में बायर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा और कंफर्म हो गया कि बायर साइड का बनाना चाहिए। देन उसके बाद हमको देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला, जो बता रहे थे हम आप सभी को, यहाँ पर सपोर्ट मिला। कैसे मिला, ये देख के, वॉल्यूम को देख के हैवी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ, लेकिन हम नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, SL देखेंगे तो 30 पॉइंट का है, तो SL तो ऐसे ही चला जाएगा, 30 पॉइंट का है तो मतलब मान लीजिए एक दिन का तो ऐसे ही टारगेट पूरा ले जाएगा, तो SL उसे नहीं लेना है। SL ऐसे लेना है जो 10 पॉइंट का, और पूरा आपका जो भी व्यू है वो रिवर्स कर जाए। सपोज कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने ट्रेड मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट है ही है, जैसे कि क्या, ये देखिए सपोर्ट है, तो हमें ट्रेड ऐसे बनाना है कि जो भी मेरा व्यू है कॉल साइड का वो रिवर्स कर जाए, मतलब कैंडल नीचे क्लोज होने लगे, मतलब पुट साइड हो जाए, तो ऐसे बनाना है। हम यहाँ पे अगर बना लीजिए, मान लीजिए 145 पे मैंने बनाया ट्रेड, अगर 145 पे सपोज अगर बना लिया, तो हमें SL कहाँ का डालना पड़ेगा, इस वाले कैंडल का 115 का डालना पड़ेगा।
तो ये पॉसिबल है नॉट पॉसिबल। तो हमको कैसे करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा जैसे कि इसी वाले कैंडल में हमें एंट्री बनाना है, तो हमको एंट्री ऐसा बनाना पड़ेगा कि 129 पे बना दो, 129 पे ट्रेड बनाओ, लगभग 120 के लगभग में यहीं पे एसएल का कि गिरे तो पूरा रिवर्स कर जाए, ठीक है, ऐसा इनको बनाना पड़ेगा। या फिर वेट करो, वेट जैसे कि इस वाले कैंडल में मैंने वेट किया, इसमें ट्रेड में बनाना चाहिए था लेकिन मिस हो गया, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ रीजन की वजह से मिस हो गया, तो ट्रेड मेरा देखिए यहीं पे बनता और एसएल देखिए इसी का ठीक डालते, इसी का यही 135 का लगभग, मान लीजिए 5 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही होता तो ठीक है, तो इस यहीं का बनाता, ठीक है, तो इसको मिस हो गया। नेक्स्ट का ट्रेड यहीं पे बना था मेरा, जो मैंने आप सभी के साथ बताया कि नेक्स्ट ट्रेड देखिए यहाँ पर बना था लेकिन तुरंत नहीं लिया, मैंने आप सभी के साथ मेंशन भी किया था कि यहाँ पे ट्रेड, और पहले ये दिखा दें आप सभी के साथ, देखिए ये मैंने बताया जैसे ब्रेकआउट हुआ गैप अप के साथ मैंने बताया ब्रेकडाउन ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, लेकिन तुरंत मैंने यहाँ पे तुरंत मैसेज किया कि जस्ट वेट, फिर नेक्स्ट बाई किया, बाई कब किया, जब ये रीटेस्ट करके इस गैप को फिल किया मैंने तुरंत लिया, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, लगभग मेरा 160 पे एंट्री था और यहीं पे मतलब आप लोग भी बनाए होंगे लगभग 160 या 61 इसी पे बनाए होंगे, 162 पे आप लोग भी बनाए होंगे ट्रेड, तो मैंने यहीं पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, 1:2 मैंने टारगेट सॉरी 1:4 मैंने टारगेट बुक किया, लगभग 201 पे मैंने टारगेट बुक किया और आज का ट्रेड यही था, इतना ही टारगेट 1:4 मिला तो मैं आप निकल गया इस ट्रेड से। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस टेलीग्राम में चुनना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप जुड़ सकते हैं, धन्यवाद।